पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गंगा जमुना क्षेत्र से एक छापेमारी की घटना आगे आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की को देह व्यापार के चंगुल से छुड़ा गया, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गंगा जमुना क्षेत्र के कश्मीरी बाई उचिया बाकड़ी गली में छापा मार कर एक 16 साल की नाबालिग लड़की को बचा गया। लकड़गंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गंगा जमुना बस्ती के कश्मीरी बाई उचिया बाकड़े गली में एक नाबालिग लड़की की तस्करी की जा रही है। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो आरोपी महिला, जिसका नाम भूरी सोनू उचिया, उम्र 40 वर्ष, जो मूल बदनापुर छावनी ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसके खेमे में एक 16 साल की नाबालिग पाई गयी, जिसे वह पैसों का लालच देकर राजस्थान से लेकर आई थी। गुप्त सूचना के आधार पर लकड़गंज पुलिस ने स्थानीय क्षेत्र में 2:36 से 4:25 के बीच कार्रवाई की, जहां पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है, जिसके विषय में जानकारी दी लकड़गंज के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनविस ने। फ्रीडम फॉर्म संस्था है, सामाजिक संस्था है, उनकी तरफ से एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली, गंगा जमुना एरिया में एक घर में एक अल्पवयीन लड़की है और उसको जबरन वहाँ पे रखा गया है और उसे जबरदस्ती देह व्यापार करके ले जा रहा है, ऐसी खबर हमें मिली। अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर पंच वगैरह लेके वहाँ पे उस संस्था के लोगों के साथ में वहाँ पे रेड किया, तो वहाँ पे एक 16 साल की एक अल्पवयीन लड़की वहाँ पे हमें मिली, उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया है। और उसमें जो औरत उस लड़की की पास से जो जबरदस्ती जबरन देह व्यापार करा के लेती थी, वो आरोपी भूरी सोनू उचिया, ये 40 साल की औरत है, उसे भी हमने ताबे में लिया। पुलिस स्टेशन में आने के बाद में हमने ऑफेंस दाखिल किया है और वो जो लेडी है उसको अरेस्ट किया है। जो अल्पवयीन लड़की है उसे हमने बाल सुधार गृह में अभी सेफ्टी के लिए रखा है। उस औरत को अभी हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, रिमांड लेके फिर आगे की इंक्वायरी हम लोग करेंगे। इसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन पिछले 8-10 दिन से वो लड़की वहाँ पे आई थी, तो उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो लड़की कहाँ से आई, कब आई और किसने उसको लाया था, इसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वो लड़की को इसके पहले भी रेस्क्यू किया गया था, यहाँ पे लकड़गंज पुलिस स्टेशन में ही इसका गुनाह दाखिल हुआ था और उसको माननीय न्यायालय ने उनके पेरेंट के ताबे में दिया था, फिर भी वो लड़की वापस यहाँ पे आई है, तो उसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। रिमांड मिलने के बाद ही उसके बाद में और अधिक जानकारी मिलने की चांसेस है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।